नमस्ते, मैं मोहन मिस्त्री, फाइनेंशियल एडवाइज़र रामकृष्णपुर लिटिल अंडमान फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया अंडमान ब्रांच पोर्ट ब्लेयर से बता रहा हूँ। देखिए, फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा करना चाहिए, हर इंसान को एक सपना होता है। मतलब सोचिए, किसी का दो बच्चा है, एक लड़की बच्चा है, एक लड़का बच्चा है, तो उसको कैसा उसका मतलब लाइफ को मतलब आगे लेके जाना है, कैसा उसका हायर एडुकेशन होगा, कैसा उसका मैरिज सेरेमनी होगा, इसलिए उसका ऊपर अपना आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार करना है। मतलब कितना साल बाद में उनका मतलब हायर एडुकेशन देना पड़ेगा, या कितना साल बाद में उसका मैरिज सेरेमनी अरेंज करना पड़ेगा, उसके लिए हर इंसान को मतलब तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए इंसान मतलब कोई कोई जगह छोटा छोटा स्मॉल सेविंग स्कीम ले लेता, या लॉन्ग टर्म भी कोई प्लानिंग ले लेता, क्योंकि सोचिए 15 साल का बाद में बच्चा हायर एडुकेशन में जाएगा, तो उसका 15 साल का बाद में 5 लाख या 10 लाख या 50 लाख पैसा चाहिए, तो उस तरह प्लानिंग सेटअप करता है। फिर सोचिए, लड़की को शादी देना 25 साल उम्र में, अभी अब उसका 5 साल उम्र है और 20 साल का बाद में उसको शादी देना, तो शादी के लिए भी एक फंड उनका तैयार करना। इस तरह मतलब लाइफ का हर जगह में सेटअप करना है। मतलब आपका जो इनकम है, इनकम से आपका ही मतलब बजट तैयार करना है, खर्चा जो करना है वो सोच बूझ के करना है, उसी से आपका आपका पेंशन फंड हो, आपका ये होम कंस्ट्रक्शन हो, या आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो, या लाइफ इंश्योरेंस हो, या आपका मतलब कुछ भी आप करेंगे, तो कम से कम सोच बूझ के उसी पैसा से आपका पैसा निकालना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम लोग का इंसान, हम लोग का सब कुछ मतलब अपना आप से नहीं कर सकता, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो गॉड मेड द्वारा होता है, मतलब अपना द्वारा नहीं हो सकता, पूरा फुलफिल नहीं हो सकता। बाइसेस सोचिए, एक आदमी आज बोल नहीं सकता जब उसका डेट ऑफ डेथ कब उसका मृत्यु है, मतलब कब वो उसका डेथ होगा नहीं बोल सकता है। और सोचिए, कोई आदमी आज नहीं बोल सकता उसका कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा, उसमें एक्सीडेंट में उसका कैसा एक्सीडेंट होगा, उसमें उसका डेथ हो जाएगा, या उसका मतलब डिजेबिलिटी होएगा, नॉट मूवमेंट फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम, या उस उसका उस एक्सीडेंट में कुछ नहीं होगा। इस तरह कुछ चीज़ें हम लोग पहले से नहीं बता सकता, कोई भी इंसान नहीं बता सकता, इसलिए हम लोग का मतलब कुछ मिस हैपनिंग मतलब होने से कम फैमिली को एक सहारा मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग का प्रोटेक्शन के लिए अलग से मतलब जीवन बीमा जो LIC करवाना चाहिए। और दूसरा बात है सेविंग को, सेविंग साइड मतलब कैसा पैसा को बढ़ाना चाहिए, वो हर इंसान का अपना अपना डिसीजन का ऊपर चलता है। इसलिए आप लोग का मतलब खर्चा जो है, मतलब इनकम का साथ जो खर्चा है, तो खर्चा का बजट तैयार करना चाहिए अलग से है। और आपका कौन सा बजट में खर्चा जमा करने का भी बजट आपका तैयार करना चाहिए। सोचिए, आपका मैरिज सेरेमनी के लिए अलग से फंड बनाया है, फिर आपका हायर एडुकेशन के लिए अलग से फंड बनाया है, होम कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से फंड बनाया है, इस तरह अलग अलग फंड आपका तैयार करना है, या आपका बुढ़ापा में पेंशन के लिए आप फंड बनाया है, इस तरह आपको सेविंग करने का जो तरीका तौर तरीका आप मतलब डिसीजन लेके खुद कैसा आप करेंगे वो आपका ऊपर डिपेंड करता है, उसका ऊपर करना है। क्योंकि बाइसेस ये वन साइड है आपका सेल्फ डिपेंडेंट, आप कैसा बनाता, दूसरा साइड है गॉड डिपेंडेंट। इसलिए मतलब कुछ मिस हैपनिंग हो जाने से कम फैमिली का कोई जगह हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं है, इस तरह सोच बूझ के आपका पैसा रखना चाहिए। अंत में सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और सबका कुशल कामना करता हूँ। मैं मोहन मिस्त्री, फाइनेंशियल एडवाइज़र रामकृष्णपुर लिटिल अंडमान फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया अंडमान ब्रांच।